नमस्कार दर्शकों, मैं एक बार फिर से अपना खास प्रोग्राम एक प्रोग्राम दर्शकों के नाम लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। और आज बात करूँगी मैं अपने बहुत पुराने प्रोग्राम को लेकर। हमने बीते साल जब गुजरात में विधानसभा चुनाव होने वाले थे, उस दौरान हमने एक प्रोग्राम किया था, एक पैनल डिस्कस किया था अपने सहयोगी काशिफ अली के साथ, जिसमें मेरे साथ मेरे सहयोगी काशिफ अली थे। और उस प्रोग्राम का खास मुद्दा था कि स्मृति ईरानी से क्या बेहतर हैं सुषमा स्वराज, और क्या सुषमा स्वराज पर स्मृति ईरानी भारी पड़ रही हैं। इसलिए कहा था, इसलिए इस प्रोग्राम को हम आपके सामने लेकर आए थे, क्योंकि स्मृति ईरानी का जो सियासी कार्यकाल है, जो सियासी ओहदा है, वो सुषमा स्वराज की अपेक्षा बहुत कम है। और जो उनका जो एक्सपीरियंस है वो भी सुषमा स्वराज की अपेक्षा बहुत ही ज़्यादा कम है। लेकिन फिर भी देखा जा रहा है कि सुषमा की अपेक्षा स्मृति ईरानी को ज़्यादा तवज्जो मिलती है भारतीय जनता पार्टी में। सोचिए, वो राज्यसभा सांसद बनी, फिर उनको वहाँ से सीधे सीधे मंत्रालय भेज दिया गया, एचआरडी मिनिस्ट्री और फिर ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री, और अब वो संभाल रही हैं टेक्सटाइल मिनिस्ट्री। हालाँकि सुषमा स्वराज की अगर बात करो तो वे बेबाक बोल्ड बहुत तेज तर्रार स्वभाव की महिला हैं। उनके अगर बयानों का जिक्र करूं, उनकी अगर भाषा शैली का जिक्र करूं, तो उनसे अच्छा जो संवाद है, उनसे अच्छा भाषण शायद कोई भी नहीं दे सकता है बीजेपी में। वो एक महिला नेता के तौर पर, बीजेपी की महिला नेता के तौर पर एक ऐसी प्रतिष्ठित महिला है, एक ऐसी सियासी महिला नेता है जिनकी तारीफ करने से कोई भी पीछे नहीं हटता है। अगर उनके सियासी करियर पर नजर डाली जाए तो उन्हें बहुत संघर्ष किया है। आरएसएस से उनका ताल्लुक रहा है, और जिस तरह से बोलती हैं, आपने उनको हमेशा नोटिस किया होगा, चाहे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो और चाहे ही वो संसद में हो, वो हमेशा ऐसा बोलती हैं। जब विपक्ष में बीजेपी थी तो वो हमेशा बीजेपी के विपक्ष की नेता के तौर पर इतना तेज तलाक तरीके से, इतने तल्ख लहजे से अपनी बात रखती थी, और एकदम लॉजिकली तथ्यपूर्ण बात रखती थी कि सामने वाले जो सत्ताधारी सरकार होती थी उसके होश उड़ जाते थे कि वो जिस तरह से अपनी बातों को इतनी मजबूती से डंके की चोट पर, उनकी आवाज़ की जो खनक है, उनकी आवाज़ अपनी बात को रखने का जो उनके अंदर मादा है, वो शायद बहुत कम महिला नेताओं में देखने को मिलता है। स्मृति ईरानी में भी वो धीरे धीरे आ रहा है, लेकिन अभी अगर मैं सुषमा स्वराज की बात करूँ तो वो उनसे बहुत सीनियर हैं। लेकिन सुषमा स्वराज को जो स्मृति ईरानी को जो अहदा मिल रहा है पार्टी में, वो पाने में उनको बहुत ज़्यादा संघर्षों का सामना करना पड़ा था। उन्होंने बहुत मेहनत की थी, लेकिन स्मृति ईरानी ने भी मेहनत की है, लेकिन सुषमा स्वराज की अपेक्षा थोड़ी कम की है। यहाँ पे ओहदे की बात की जाए तो आज सुषमा का जो ओहदा है पार्टी में, उसके लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, और स्मृति ईरानी की मेहनत उनकी अपेक्षा कम है, लेकिन आज वो उनकी बराबरी पे ही कहीं ना कहीं खड़ी हो रही हैं। हम सिर्फ उसे कंपैरिजन कर रहे हैं, दो महिलाओं की लड़ाई नहीं करवा रहे हैं, सिर्फ उसे कंपैरिजन, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीज़ें आप खुद देखिए, भारतीय जनता पार्टी में महिला नेता बहुत है, लेकिन सुषमा स्वराज एकदम हटकर नेता नजर आती हैं। और यही वजह है कि वो विदेश मंत्री हैं, और हमेशा ही सोशल मीडिया पर अपने फैंस, अपने चाहने वालों के साथ, अपने फॉलोअर्स के साथ हमेशा वो इंटरेक्ट करती हैं, उनके सवालों का जवाब देती हैं, और किसी भी गंभीर मसले पर हमेशा ट्वीट करके जानकारी देती हैं कि ऐसा होने वाला था, ऐसा हो गया, ऐसा करने की मैं सोच रही हूँ। मतलब उनके अंदर अगर वो बोल्ड हैं, तेज तरार हैं, तल्ख स्वभाव की हैं, लेकिन वो उतनी ही कहते हैं दोस्ताना रवैये की भी महिला नेता हैं। जिस तरह से उन्होंने अभी कुलभूषण जाधव मामले को हैंडल किया था, और बहुत से ऐसे मामले हैं जिसको लेकर वो कहीं ना कहीं भावुक भी हो जाती हैं और अपनी एक सियासी कार्यकुशलता दिखाती हैं। उसमें अगर स्मृति ईरानी का जिक्र करूँ तो जब वो एचआरडी मिनिस्ट्री थी तो उन्होंने रोहित वेमुला केस को लेकर संसद में जो बयान दिया था, जो भाषण दिया था, उससे कहीं ना कहीं पीएम मोदी ने भी उनकी सराहना की थी। क्योंकि सुषमा स्वराज की तो सराहना पीएम मोदी जी करते ही रहते हैं, लेकिन उनकी भी सराहना की थी स्मृति ईरानी की भी पीएम मोदी ने, तो कहीं ना कहीं ऐसा कहा जाने लगा था कि अब सुषमा पार्ट टू साबित हो रही हैं स्मृति ईरानी। फिलहाल जो हमने प्रोग्राम किया था उसमें बहुत से यूजर्स ने कमेंट किया है, लेकिन हम ज़्यादा कमेंट्स नहीं शामिल कर पा रहे हैं अपने प्रोग्राम में, इसका हमें बहुत दुख है। लेकिन फिलहाल जो कमेंट्स हमने शामिल किए, उसमें बहुत से यूजर्स ने बताया है कि आखिर हु इज़ बेटर, स्मृति ईरानी बेटर हैं या फिर सुषमा स्वराज अच्छी हैं। तो मैं सबसे पहले कमेंट का अगर जिक्र करूंगी तो धर्मेश भाई नाम के यूजर हैं, उनका कमेंट सामने आया है। उन्होंने कहा है स्मृति ईरानी इज वेरी टैलेंटेड, उन्होंने कहीं ना कहीं सुषमा स्वराज की अपेक्षा स्मृति ईरानी को ज़्यादा प्रतिभाशाली बताया है, उनको कहा है कि उनके अंदर ज़्यादा टैलेंट है। हालाँकि धर्मेश भाई यूज़र का ये अपना मत हो सकता है, लेकिन अगर वो दोनों नेताओं के कंपैरिजन की अगर बात कर रहे हैं, वो हर इंसान का अपना एक पर्सनल ओपिनियन होता है, जिनका पर्सनल ओपिनियन है कि स्मृति इज़ बेटर, बट अगर दोनों नेताओं, महिला नेताओं का अगर जिक्र किया जाए तो जाहिर सी बात है सुषमा जो हैं वो अपनी जगह बिल्कुल बेहतरीन हैं और स्मृति ईरानी अपनी जगह बिल्कुल बेहतरीन हैं। मोहम्मद समीर उल्लाह खान नाम के यूज़र का कमेंट आया है, सुषमा इज़ ग्रेट लीडर, पीएम कैंडिडेट ईरानी इज़ ज़ीरो। ये इन्होंने कहा है, सुषमा बहुत बेहतरीन नेता हैं
और इन्होंने ईरानी को जीरो करार दिया है। यानी कि अगर पीएम हमने इसमें पीएम कैंडिडेट की भी बात की थी कि अगर मान लीजिए कल को अगर बीजेपी दो महिला नेताओं के बीच चुनती है कि दो महिला नेताओं में हमें किसको पीएम उम्मीदवार के नाम पर आगे बढ़ाना चाहिए तो आखिर कौन होगा, तो इसमें इन्होंने ये कमेंट किया है कि सुषमा इज बेटर देन स्मृति ईरानी। और ये बात इसलिए भी कही जा रही है क्योंकि सुषमा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम आगे लाया गया था 2014 में तो बहुत से लोगों ने कहा था कि अगर सुषमा जी का नाम आगे सामने आता तो और ज़्यादा बेटर होता क्योंकि वो भी एक बेहतर प्रधानमंत्री के विकल्प के तौर पर सामने आ सकती हैं। चलिए अगले कमेंट की बात करते हैं। श्योर चतुर्वेदी नाम के यूज़र का कमेंट है, टाइम वेस्ट स्टुपिडिटी और टेक सम गुड टॉपिक, इन्होंने स्टुपिड कहा है और टेक सम गुड टॉपिक इफ़ यू रियली वॉन्ट टू हेल्प आवर सोसाइटी। इनका कहने का मतलब है आप ऐसे मुद्दों पर डिबेट करके बातें करके सिर्फ और सिर्फ अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, अगर कुछ सोसाइटी के लिए करना चाहते हैं तो कुछ अच्छे टॉपिक भी लेकर आइए। तो सिरोज चतुर्वेदी जी आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें इसके लिए बताया कि हमें और भी टॉपिक पे काम करना चाहिए, हम ज़रूर करेंगे आपके सुझाव पर काम। और ये टाइम वेस्ट नहीं है चतुर्वेदी जी, क्योंकि ये टाइम वेस्ट नहीं है क्योंकि हर किसी जहन में सवाल उठता है कि क्या सुषमा स्वराज बेहतर प्रधानमंत्री नहीं बन सकती हैं और क्या महिला नेताओं में इस तरह से अगर देखा जाए बीजेपी के महिला नेताओं में तो क्या सुषमा स्वराज से बेटर भी महिलाएं आ रही हैं बीजेपी में, क्योंकि स्मृति ईरानी उनसे कम एक्सपीरियंस है लेकिन फिर भी उनका ओहदा बहुत जल्दी बढ़ा है बीजेपी में। तो इसीलिए हमने इस प्रोग्राम के तहत इसको आप स्टुपिडिटी कह रहे हैं, हमें आप स्टुपिड बोल रहे हैं लेकिन हमें नहीं लगता कि ये स्टुपिड वाला काम है। जोगिंदर सिंह नाम के यूज़र का कमेंट है, स्मृति को कम टाइम में ज़्यादा मिला, जिसके हम शुरुआत से बात कर रहे हैं यही जोगिंदर सिंह ने भी कहा है कि स्मृति ईरानी को कम टाइम में बहुत कुछ ज़्यादा मिला है, उनकी अचीवमेंट बहुत ज़बरदस्त है। हालांकि मैं ये नहीं कह रही कि उन्होंने संघर्ष नहीं किया, उन्होंने स्ट्रगल किया है, जाहिर सी बात है। आज उनकी जो पहचान है, पहले वो अभिनेत्री के तौर पर पहचानी जाती थी, अभी भी उनकी आज वो सियासी नेता के तौर पर पहचानी जाती हैं, तो इतना आसान नहीं होता है कि हम आसानी से कह तो देते हैं कि भाई तुम्हारा बहुत रसूख है, तुम्हारे पास बहुत रेपो है, लेकिन उस रेपो को पाने में उस इंसान ने कितनी मेहनत की है शायद ये हम भूल जाते हैं। जोगिंदर सिंह इन्होंने कहा है नारी शक्ति, बिल्कुल नारी शक्ति महान है, हालांकि वुमेंस रिजर्वेशन अभी भी अटका हुआ है बिल, पता नहीं कब तक अटका रहेगा। हालांकि पीएम मोदी से इस बात की कहीं ना कहीं उम्मीद रखी हुई है कि कम से कम वो तो थोड़ा बहुत करेंगे वुमेंस रिजर्वेशन को लेकर, लेकिन फिलहाल वो भी नज़र नहीं आ रहे हैं इसकी कवायद को लेकर सतर्क कि वो भी कुछ ऐसा कर सकते हैं वुमेंस रिजर्वेशन को लेकर। अगला कमेंट है नवेद्या जैन का और इन्होंने कहा है स्मृति तुम कहाँ चली गई, भगवान तुम्हारी मदद करें। इन्होंने कहा है कि इन्होंने स्मृति ईरानी के लिए कहा है कि भगवान तुम्हारी मदद करें, यानी कि तुम कहाँ चली स्मृति तुम कहाँ चली गई, इनका कमेंट मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन फिलहाल उन्होंने कुल मिलाकर यही कहना कि मतलब है कि स्मृति आप और अच्छा कर सकती हैं और मैं भगवान से प्रार्थना करूँगा कि आप बहुत अच्छा करें। राजेश अग्निहोत्री नाम के यूज़र का कमेंट है, सुषमा स्वराज हैज़ क्लास ऑफ हर ओन एंड स्मृति इज़ नथिंग एज कम्पेयर्ड, ओनली टैलेंट सी हैज़ इज एक्टिंग एंड सी इज़ रियल गुड एट दैट। इन्होंने कहा है कि सुषमा स्वराज जो हैं वो अपनी जगह बिल्कुल सही हैं लेकिन उनका कंपैरिजन स्मृति से ईरानी से करना बिल्कुल भी गलत है, और अगर टैलेंट की बात की जा रही है तो वो एक बेहतरीन अदाकारा हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है और वो अपनी अदाकारा के तौर पे वो बहुत अच्छी हैं, लेकिन सुषमा स्वराज से उनका कंपेयर ना किया जाए क्योंकि सुषमा स्वराज का अपना ही एक ओहदा है, अपनी ही एक अलग जगह है। अगले यूज़र की कमेंट की अगर बात करूँ तो साजी नाम के यूज़र का कमेंट है, ऑल इंडिया एक्सपेक्टेड पीएम सुषमा जी स्मृति ईरानी सीरियल हीरोइन। इन्होंने कहा है कि पूरे देश की आवाम ये चाहती है कि सुषमा जी को प्रधानमंत्री के तौर पर देखे, स्मृति ईरानी सिर्फ और सिर्फ एक धारावाहिक की हीरोइन है, वो सिर्फ हीरोइन ही रह सकती हैं, ये कहना है शाह जी का। सिडोर चतुर्वेदी का फिर से मैंने कमेंट लिया है, यू गाइज आर यंग एंड डू समथिंग पॉजिटिव, लीव दिस फॉर आर पब्लिक। इन्होंने दोबारा कमेंट किया है, मैं फिर से इनको यही जवाब दूंगी कि ओके वी विल डू, थैंक्स फॉर योर कमेंट एंड गिविंग योर रिप्लाई, बट मैं कोशिश करूंगी कि मैं अच्छे से अच्छा कुछ और परफॉर्म कर सकूं अपनी टीम के साथ, एस पी एन न्यूज़ आपकी उम्मीदों पर खरा उतर सके, इसकी पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन हाँ हम इस तरह के मुद्दे लाते रहेंगे और हमें क्योंकि हमारे पास सिर्फ आप ही नहीं हैं, बहुत से यूज़र्स हैं जो इस तरह के मुद्दों की बात करते हैं। नेक्स्ट कमेंट है और लास्ट कमेंट है हर्ष चौधरी का, इन्होंने कहा है कुछ भी, दे आर इंडिविजुअल पर्सनैलिटी, देयर इज़ नो कंपैरिजन, दे आर डूइंग बेस्ट इन देयर ओन फील्ड। बिल्कुल सही, मैं इनके कमेंट से इत्तेफाक रखती हूँ कि
कुछ भी नहीं, इंडिविजुअल पर्सनालिटी हैं, दोनों अपनी अपनी जगह बिल्कुल सही हैं। सुषमा जी सियासी नेता हैं, वो अपनी जगह बिल्कुल सही काम कर रही हैं। स्मृति ईरानी एक अभिनेत्री भी हैं और एक सियासी नेता वो भी हैं, वो अपनी जगह सही हैं। यानी दोनों जो महिला नेता हैं वो अपनी अपनी जगह सही हैं और दोनों को, दोनों का कंपेयर करना कहीं से भी सही नहीं है। तो हर्ष चौधरी का ये कहना था। तो दर्शकों, आज के प्रोग्राम में ये था सुषमा स्वराज और स्मृति ईरानी के कंपेयर को लेकर हमने जो प्रोग्राम किया था उस पर यूजर्स की क्या राय थी। कल एक बार फिर से मैं लेकर आऊँगी अपना खास प्रोग्राम, एक प्रोग्राम दर्शकों के नाम। लेकिन तब तक के लिए नमस्कार।